हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे PT 365, जो कि हमारी विज़न आइज़ की है। तो यहाँ पे हम लोग अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल सेकंड देखने वाले हैं, जिसमें कि मई और जून के बीच में जितनी भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोग देख लेते हैं इकोनॉमिक सेक्शन। इकोनॉमिक सेक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जो कि यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी है। फिस्कल पॉलिसी के तहत कुछ टॉपिक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे, इस बार न्यूज़ में रहे। स्टेट फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा एक फ्रेश गाइडलाइंस इशू की गई है, और ये किसके रिगार्डिंग, तो स्कीम ऑफ फिनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये एक साल के लिए है। इट मीन्स कि इस साल से लेकर 2022 तक। इस स्कीम के अंदर क्या होगा, जैसा कि नाम में ही पता चल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे पैसे के रूप में मदद की जाएगी, फिनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ 50 ईयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन। क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 के कारण और GST इम्प्लीमेंटेशन के कारण बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनमें रेवेन्यू कलेक्शन बहुत कम हो चुका है। सो दैट्स वाई यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को पैसे देने ज़रूरी है, हेल्प करना ज़रूरी है, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ के लोगों को बेटर तरीके से सारी प्रोविजंस प्रोवाइड कर सके। सो दैट्स वाई यहाँ पे फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात की गई है, और 50 ईयर्स का इंटरेस्ट फ्री लोन है ये। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि स्टेट रेवेन्यू के सोर्सेज क्या क्या हैं, एक राज्य में पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं। तो किसी राज्य को यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे आने का तीन तरीका होता है। एक होता है जितने भी जगह टैक्स लगाया जाता है उस टैक्स से रेवेन्यू आती है, दूसरी है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू भी आती है, और थर्ड है कि यूनियन गवर्नमेंट से ग्रांट ले लेते हैं, पैसे के रूप में मदद ले लेते हैं। तो टैक्स कहाँ कहाँ से आता है, स्टेट का अपना खुद का टैक्स रेवेन्यू होता है, जैसे इनकम अगर यहाँ पे दिया जाता है तो इनकम के ऊपर टैक्स है, साथ ही टैक्स और जो प्रॉपर्टी के ऊपर है या फिर कोई कैपिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसके ऊपर टैक्सेस दी जाती है, साथ ही साथ जो कमोडिटीज़ और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके ऊपर टैक्सेस दी जाती है। साथ ही यहाँ पर आप देखो कि 280 जो फाइनेंस कमीशन है आर्टिकल 280 के तहत, उनके द्वारा जितनी भी टैक्सेस कलेक्ट होती है उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करते सेंट्रल और स्टेट के बीच में, तो उससे भी कुछ पैसे आ जाते हैं। तो इट मींस कि वो भी टैक्स का ही पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो भी यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू के तहत आपका इंक्लूड होगा। नॉन टैक्स में अगर हम लोग बात करें तो नॉन टैक्स में आपको पता है डिविडेंड प्रॉफिट जो कि PSE से होता है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से होती है, साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जो भी फीस वगैरह ली जाती है, तो ये भी सारे रेवेन्यू जो आते वो कहाँ आते, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में। ग्रांट जो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट से मिलता है वो तीन तरीके से मिलता है। एक तो मान लीजिए कि किसी राज्य में डिजास्टर आ गए, जैसे साइक्लोन आ गया तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की सरकार है, फ्लड आ जाती है तो बिहार की सरकार है, आप देखो कि अगर सूखा पड़ जाता है तो महाराष्ट्र की सरकार है। तो अगर इनके पास पर्याप्त रूप में अगर पैसे नहीं होते तो वो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट के रूप में पैसे मांग लेते हैं, और किस लिए, तो डिजास्टर रिलीफ ग्रांट करने के लिए। इट मीन्स कि जो आपदा आई है उससे लोगों को राहत पहुँचाने के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा मनी लेते हैं। फिर ग्रांट यहाँ पे लोकल बॉडीज़ के लिए भी लेते हैं, जो पंचायती राज है, म्यूनिसिपैलिटीज़ है, इनके लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो अगर कम पड़ जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ये ग्रांट के फॉर्म में ले लेते हैं। साथ ही रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, इट मींस कि जितना भी रेवेन्यू यहाँ पे कलेक्ट नहीं हुआ है टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू के तहत, तो यहाँ पे रेवेन्यू के फॉर्म में जो भी इनको रेवेन्यू के फॉर्म में अगर ग्रांट चाहिए तो वो ग्रांट ले लेते हैं। तो ये आपका सोर्सेज है स्टेट रेवेन्यू का, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर स्टेट फाइनेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए स्टेट फाइनेंस से क्या होता है कि आप ये समझिए कि बेसिक अगर सरकार के पास पैसे हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सरकार क्या करती है कि जितनी भी योजनाएं स्कीम्स चलती है उनमें पैसे देते हैं, साथ ही लोगों को आप ही आप कोविड-19 के टाइम में भी आप देखो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत हर महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपीज़ डिपॉजिट किया गया था, साथ ही स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से उनके यहाँ की जो महिलाएं थी, जो लोग थे, उनके 500-1000 वो ट्रांसफ़र किए थे। तो इतना संभव कैसे हो पाएगा, तब जब उनके हाथ में पैसे होंगे तभी तो ये संभव हो पाएगा, तो इसलिए ये काम करते हैं। साथ ही आप देखो कि लोगों के हाथ में अगर पैसे होते हैं तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बढ़ता है, लोगों के हाथ में अगर पैसे है तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी, लोग सही तरीके से खा पाएंगे, भुखमरी से नहीं मरेंगे। तो ये सारी बातें हैं, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है हमारे मार्केट में, आप देखो कि पैसे की जो फ्लो है, मनी सप्लाई है, वो मेंटेन रहती है, डेट सस्टेनेबिलिटी रहता है, हाई डेट टू GDP रेशियो आपको देखने को मिलेगा जो कि पेंडेमिक के कारण अराइज हो जाता है, तो इस चीज़ को भी मैनेज की जाती है। सो ये सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इशू क्यों निकल कर आया स्टेट फाइनेंस को, सबसे पहले टैक्स कलेक्शन में बहुत शॉर्टफॉल देखने को मिला, GST के इम्प्लीमेंटेशन के कारण देखने को मिला, और ऊपर से आप देखो कि रही सही कसर जो है, कहा जाता है कि जो सेस और सरचार्ज है आज के डेट में
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी आप देखो जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन के कारण जो टैक्स की कलेक्शन है वो बहुत कम हो गई है, लेकिन फिर भी हथियार है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो उन हथियार का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सेस और सरचार्ज की जो यहाँ पे आज की डेट में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ये लिवाई किया जा रहा है। सेस क्या होता है? सेस होता है किसी पर्पस के लिए जो टैक्स लगाए जाते हैं, जैसे एजुकेशन सेस हो गया, आपका स्वच्छ भारत अभियान सेस हो गया, तो किसी अगर पर्पस के लिए जो सेस लगाई जाती है ये 1% या 2% होता है, इसे हम लोग सेस कहते हैं। सरचार्ज क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स होता है, जैसे अगर आप रेस्टोरेंट में खाने जाते हो तो वहाँ सर्विस टैक्स दे ही रहे हो, लेकिन अगर वहाँ पे सरचार्ज हो गया तो फिर उसके बाद आपको 1% 2% जितनी भी है वो एक्स्ट्रा टैक्स देनी होगी। आप कोई लग्जरी गुड्स या सीन गुड्स परचेज़ कर रहे हो उसमें आपको सरचार्ज देना होता है 1% या 2% का। तो ये सरचार्ज क्या हो गया? टैक्स ऑन टैक्स हो गया, और सेस क्या हो गया? स्पेशल पर्पज़ के ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है। तो ये दोनों जो है, सेस और सरचार्ज, ये दोनों लगाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और इसको कलेक्ट करने का अधिकार भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये जो सेस और सरचार्ज है इसमें जितने भी पैसे कलेक्ट होते हैं ये फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की कंप्लेन निकल कर आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं कि सारे सेस को कम करके सेस और सरचार्ज के थ्रू जो है वो अपनी झोली भर रहे हैं, यानी कि अपना बटुआ वो भर रहे हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है और ये ट्रू भी है, क्योंकि आप लोग के सामने ये ग्राफ है तो इससे आप लोग देख सकते हो। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि लास्ट 5 ईयर्स से सेस और सरचार्ज जो लगाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो इंक्रीज़ हो गया है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत नहीं, सही नहीं होगी, गलत हो जाएगी। क्योंकि लास्ट 5 ईयर्स से अगर हम लोग देखें तो 2017 में 13.5 है, देन यहाँ पे आपका थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ, 13.9 हुआ उनके, उसके बाद इंक्रीज़ हुई 19.9, देन यहाँ पे और इंक्रीज़ हुआ 20 में 20.2, बट 21 में ये थोड़ी सी डिक्रीज़ हो गई, स्लाइटली डिक्रीज़ हुई है जो कि यहाँ पे 19.9 है। तो लास्ट 5 ईयर में आप देखो कि 5 ईयर्स में सेस और सरचार्ज जो लिवाई किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो कंटिन्यूस इंक्रीज़ नहीं हुआ है। ओके, 2017 से आप अगर 2016 से पूछा जाए तो ये कंटिन्यूस इंक्रीज़ हुआ है 2020 तक, बट नॉट फ्रॉम 2016 टू 2021। ओके, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे बोरोइंग में बहुत ज़्यादा रियलाइंस हो गए हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स निकल कर आ रही हैं। और COVID-19 के कारण भी आप देखो कि बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल छोड़ देती है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ध्यान भी देती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे बोरोइंग लिमिट रेज कर दिया गया। पहले क्या था कि रखा गया था कि ठीक है, हर राज्य का अपना जितना भी GSDP होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके हिसाब से वो 3% जो है वो बोरो करते थे, लेकिन अब इस 3% को बढ़ा के 5% कर दिया गया। इट मीन्स कि स्टेट अब और भी ज़्यादा बोरो कर पाएंगे। उसके बाद आप देखो कि RBI मेजर्स लिया गया है, RBI के द्वारा यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दी गई है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज़ अगर ओवरड्राफ्ट की देखें एक क्वार्टर में तो 36 डेज़ पहले होता था, लेकिन अब इसको बढ़ा के 50 डेज़ कर दिया गया है। और नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डेज़ में अगर हम लोग देखें तो पहले 14 डेज़ था लेकिन 21 डेज़ कर दिया गया है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ क्या होती है? जैसे आप देखो कि जनधन के बेसिस पे अगर आपने बैंक अकाउंट ओपन की है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है लेकिन आपको 500 रुपीज़ चाहिए, तो बैंक कहता है ठीक है आप विड्रॉ कर लो, लेकिन ये 500 जो है वापस से आप जो है 36 डेज़ के अंदर विद इन जो है इसमें आपको डिपॉजिट करना होगा या फिर इससे ज़्यादा करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा टाइम का रिलीफ दे दिया गया कि ठीक है 50 डेज़ में आप सबमिट करना, ये बातें होती है। साथ ही वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट जो है वो भी यहाँ पे इन्हेंस कर दिया गया है। वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो हेल्थ सेक्टर में भी आप देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज़ की गई है 80,000 करोड़, वो भी स्टेट को, और कौन से स्कीम के तहत? तो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत। तो ये भी ध्यान रखना है कि हेल्थ सेक्टर और भी ज़्यादा बेटर हो, जैसे ऑक्सीजन की इस बार कमी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो गई, बेड नहीं मिल रहा है लोगों को, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, तो ये सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आज के डेट में फेस कर देखने को मिला, ये हेल्थ सेक्टर में हमारी जो कमी निकल कर आई, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए और थोड़ा बहुत स्थिति को और ज़्यादा टैकल करने के लिए 80,000 करोड़ तक का यहाँ पर रुपीज़ दी गई है। तो ये रही पूरी स्टेट की फाइनेंस। सेकेंड है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ द फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट कहने का मतलब है कि सरकार का घाटा हो रहा है, एक्सपेंडिचर खर्चे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन उस हिसाब का पैसा नहीं आ रहा है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो इसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब इंडिया में अभी आप देखो कि 2021 में ये रिकॉर्ड किया गया है कि फिस्कल डेफिसिट कितना है आज की डेट में, तो 9.3% है। और FRBM एक्ट के थ्रू क्या कहा गया था कि हमारा फिस्कल डेफिसिट 3% होना चाहिए 2020 में, लेकिन वो जो टारगेट रखा गया था वो हमारा इस पैंडेमिक के कारण यहाँ पे मिसमैच हो गया। तो अब देखते हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट है
सरकार के पास तो पैसे नहीं है, लेकिन सरकार को खर्च तो करना अनिवार्य है। तो सरकार जो खर्च कर रही है और पैसे कम आ रहे हैं, तो इसको भी, इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा कि दो तीन तरीके से। फर्स्ट है कि मोनेटाइज कर दो फिस्कल डेफिसिट को। अब मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं? तो मोनेटाइज ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या है कि सरकार के पास जितना भी कमी हुआ है ना, इट मीन्स कि मान लीजिए कि 100 रुपीज़ सरकार के पास है, रेवेन्यू इतना आया और सरकार जो है बोरो करके 150 रुपये ये खर्च कर दी, तो 50 रुपये और सरकार को चाहिए। तो 50 रुपये यहाँ पे आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक जो है इस पैसे को प्रिंट करके सरकार को दे देगा, लो अपना जो डेट है, अपना आपका जो फिजिकल डेफिसिट है उसको मैनेज कर लो। ये एक तरीका है। इसमें भी दो तरीके होते हैं, इनडायरेक्ट होता है और डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में क्या होगा ना कि आरबीआई डायरेक्टली यहाँ पे परचेज करेगा सरकार की बॉन्ड को। इट मीन्स कि गवर्नमेंट यहाँ पे बॉन्ड इशू करेगी प्राइमरी मार्केट में और बॉन्ड इशू करेगी 50 रुपये का। ऐसा नहीं है कि ऐसे फ़ोन करके मांग रहे हैं आरबीआई से कि आप मेरे को 50 रुपये का नोट प्रिंट करके दे दो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे लेन देन आपका चलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे 50 रुपये का बॉन्ड इशू कर दी और आरबीआई क्या करेगा कि 50 रुपये का बॉन्ड परचेज कर लेगा और उस हिसाब से 50 रुपये सरकार को दे देगा। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट मोनेटाइजेशन हो गया। एक होता है इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन। इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन में क्या होगा कि ये देखिए, डायरेक्ट जो है वो प्राइमरी मार्केट में होगा, लेकिन इनडायरेक्ट जो है वो आपका सेकेंडरी मार्केट में होगा। सेकेंडरी मार्केट में आपको देखो कि ओएमओ है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा कि आरबीआई जो है जो भी सेकेंडरी मार्केट में सरकार के द्वारा जो बॉन्ड इशू किया जाएगा उसको परचेज कर लेंगे और उस हिसाब का जितना भी मनी है वो इन्फ्यूज़ कर देंगे यहाँ पे। तो ये तो हो गई मोनेटाइजेशन को लेकर। सेकेंड क्या कर सकते हैं सरकार? सरकार के पास यहाँ पे ऑप्शन है कि एक्सपेंड कर सकते हैं रेवेन्यू के सोर्सेज। इट मीन्स कि जैसे टैक्सेस बढ़ा सकते हैं आप, देखो अभी जैसे सेस और सरचार्ज बढ़ा चुके हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है सरकार के पास कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करने का। थर्ड यहाँ पे इनकरिंग डेट। देखिए, जो कैपिटल मार्केट से बोरोइंग किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को इशू करके, जैसे अगर शॉर्ट टर्म के लिए सरकार को पैसे चाहिए तो टी-बिल इशू करा देते हैं, अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो डेटेड सिक्योरिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इस तरीके की भी यहाँ पे जो है ये फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो है ये इशू कराते हैं जिससे कि उनको पैसे मिलते हैं। तो इंटरनल डेट आप देखो कि ये हमारे कंट्री के विदिन ही जब ये इशू करते हैं तो फिर एक कंट्री के विदिन ही ये इस तरीके का डेट लेते हैं, मीन्स बोरो करते हैं, तो उससे डेट होता है। एक्सटर्नल डेट है जो कि आप देखो कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग भी होता है, अगर हमारे देश से बाहर से अगर वो बोरो करते हैं हमारी सरकार तो फिर ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में आ जाता है। तो इस तरीके से भी अपनी बोरो करते हैं और फिर उसके बाद इनकी रेवेन्यू इस तरीके से जनरेट होती है। ओके, तो ये बेसिक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या डायरेक्ट मोनेटाइजेशन जो ये फंडा है ये हमारे देश में कभी एप्लीकेबल हुआ भी था या फिर अभी तक बस सोच ही रहे हैं। तो देखिए, 1997 तक ऑटोमेटिक ये मोनेटाइज हो जाता था डेफिसिट का। इट मीन्स कि अगर सरकार की जैसे ही एक्सपेंडिचर बढ़ जाती थी और रेवेन्यू घट जाती थी तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक है जो कि क्या करते थे कि पैसे प्रिंट करते थे और सरकार की बॉन्ड परचेज करके उतने की पैसे दे देते थे। तो एक्चुअली ये 1997 तक यही चला, ऑटोमेटिक ये मोनेटाइज होते रहता था। एडहॉक ट्रेजरी बिल ये आपका इशू किया जाता था। इट मीन्स कि अभी तो एडहॉक ट्रेजरी बिल आपको नहीं देखने को मिलेगा। टी बिल जो है शॉर्ट टर्म का आपका डेटेड सिक्योरिटीज़ है जो कि तीन टाइप्स में ये आपका इशू किया जाता है। अब वो थ्री टाइप्स इट मीन्स कि 3 डेज़ के टाइप्स का रहता है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही यहाँ पे क्या होता है कि एडहॉक है, जब ज़रूरत पड़ा तो टेम्प्रेरी बेसिस में इसको इशू किया जाता था, जब यहाँ पे सरकार की काम पूरी हो गई तो फिर उसको एबॉलिश कर दिया जाता था। तो इस टाइप का भी चीज़ें होती थी। लेकिन उसके बाद आप देखो कि 1997 से 2006 के बीच में क्या हुआ कि आरबीआई पार्टिसिपेट कर रही थी प्राइमरी इशुएंस करके जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का था, फिर 2006 से 2008 के बीच में कंप्लीट प्रोहिबिट कर दिया गया। इट मीन्स कि ये जो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन की बात होती थी इसको रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? क्योंकि 2006 में आप देखो, 2003 में ये FRBM एक्ट आ गया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इट मीन्स कि एक कानून लाया गया हमारे देश में जिसमें क्या था कि ये कहा गया कि ये जो मोनेटाइजेशन करने वाला जो ये फंडा है इसको रोकना होगा, बिकॉज ये हमारे इकोनॉमी के लिए सही नहीं होता है। क्योंकि इससे क्या होता था ना कि इन्फ्लेशन बढ़ जाते थे, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम्स अराइज होने लगी थी। तो FRBM एक्ट आया, ये कानून आया जिसमें कि कहा गया कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट है, जो सरकार की बजट है उसको मैनेज करने के लिए कानून लाया गया। और इसमें ये कहा गया कि कम्प्लीटली अब यहाँ पे आरबीआई को रोका गया कि वो इस तरीके का काम नहीं करेंगे। इट मीन्स कि वो पैसे नहीं देंगे और ना ही बॉन्ड परचेज करेंगे। लेकिन 2018 से क्या हुआ ना कि कुछ सर्टेन ग्राउंड में, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, हमारे सरकार क्या
जो देश चलाने का यहाँ पे फंडा है, तो उनका क्या है ना कि बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। अब इस तरीके का अगर सेंट्रल बैंक को कह दिया जाए कि आप इस तरीके का हेल्प नहीं करेंगे सरकार को, तो कहीं ना कहीं सरकार को प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए 2018 से क्या हुआ कि कुछ सर्टेन ग्राउंड्स, इट मीन्स कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ऐसा रखा गया कि ठीक है, इसी ग्राउंड में सरकार जो है वो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें रखी गई। अब सर्टेन ग्राउंड्स, आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन सी ग्राउंड है जिसमें कि मोनेटाइजेशन की बात की जा रही है। तो ये आप देख सकते हो कि मान लीजिए कि वॉर हो गई, वॉर होने के बाद आपको पता है कि देश की हालत क्या हो जाती है। किसी भी देश में युद्ध होता है तो वहाँ आप समझो कि वो देश जो है ना 10 साल पीछे हो जाता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हर तरीके से, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली वे से वो पूरी बर्बाद हो जाती है। साथ ही नेचुरल कैलामिटीज़ हैं। आप पेंडेमिक से बेटर और कौन सी एग्जाम्पल मैं आपको दूँ? इस पेंडेमिक से आपको समझ में आ रहा है कि हमारी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल तीनों फेज में धज्जियाँ उड़ चुकी है। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा क्षति, बहुत ज़्यादा लॉस हमें देखने को मिल रहा है। तो इससे सरकार को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। तो इस केस में जो है कहा गया है कि ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज़ जो है अपार्ट फ्रॉम पैंडमिक, आप यहाँ पे कोई भी कैलामिटीज़ कह सकते हो, वेदर इट इज़ ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो गई या फ्लड हो गई, या फिर आप लोग देखो कि यहाँ पे साइक्लोन से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अम्फन जैसे साइक्लोन बार बार आने लगे तो फिर क्या होगा? और साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर्स अगर कोलैप्स हो जाए, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इकॉनमी, आवर कंट्री, तो कहीं ना कहीं उसमें अगर प्रॉब्लम हो जाती है, सरकार के पास अगर पैसे नहीं होंगे, तो उस समय सेंट्रल बैंक यहाँ पे सामने निकल कर आएंगे जो कि इस तरीके से हेल्प करेंगे। ओके, लेकिन रीज़न क्या है इस तरीके के डायरेक्ट मोनेटाइजेशन के पीछे? तो रिकवरी होती है, बहुत बेटर तरीके से फाइनेंशियली ये रिकवर कर पाते हैं। साथ ही जो डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है कि मार्केट में पैसे का बहाव बहाव या फिर महंगाई, जैसे आप देखते हो कि प्याज की दाम बढ़ जाती है, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं कि मार्केट में इन्फ्लेशन आ गई। लेकिन वही अगर आप देखो कि सारे कॉमोडिटीज़ की प्राइस जो है बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई और मार्केट में पैसे ही नहीं है, तो वो डिफ्लेशन लाइक सिचुएशन हो जाती है। वो एक नेगेटिव साइन देता है एक हेल्दी इकॉनमी की। तो इसलिए डिफ्लेशन लाइक सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, एक मॉडरेट इन्फ्लेशन हो। इट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारे इन्फ्लेशन का टारगेट रखा गया है उसको अचीव किए रखना है। साथ ही मेंटेन करना है जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, साथ ही जो लिक्विडिटी है उसकी इन्फ्यूजन करने के लिए। जैसे ये डायरेक्ट मोनेटाइजेशन होती है तो हमारे फिनेंशियल सिस्टम में आप देखो कि लिक्विडिटी आती है, तरलता आती है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लो रहे, क्योंकि आपको पता है कि जब लोगों के पास पैसे होते हैं तो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि पैसे लोग जो है बैंकों से जाकर और ज़्यादा लोन ना ले। और इस चीज़ को जब आप देखते हो कि इंटरेस्ट रेट लो होता है, हाई होता है, तो ये डिपेंड करता है कि हमारी इकॉनमी में इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, किस तरीके की सिचुएशन है। तो इसको मेंटेन करने के लिए तो ये रीजंस है जिसके कारण डायरेक्ट डायरेक्ट मोनेटाइजेशन करनी होती है। ओके, आप देखते हैं ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट। ये आप देखो कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट हर एक देश में अलग अलग होता है, लेकिन अब बात किया जा रहा है कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में एकमात्र एक ऐसा कॉर्पोरेट टैक्स होनी चाहिए जो कि हर एक कंपनी पे कर सके। तो मिनिमम रेट की बात की जा रही है और मिनिमम रखने की बात की जा रही है कि 15% होनी चाहिए। अब देखिए कि सपोज़ कीजिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताया गया कि एक कंपनी के हेडक्वार्टर ए कंट्री में है और वो यहाँ पे इनकम बी कंट्री से ले रही है, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना है तो 11%। मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में इंटरेस्ट रेट 21% है, और मान लीजिए कि ये स्विट्ज़रलैंड है जहाँ पर इंटरेस्ट रेट 11% है। ओके, तो मान लीजिए कि इंडिया में ये कंपनी है लेकिन इसकी एक ब्रांच आपको स्विट्ज़रलैंड की है, तो यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड की यहाँ पे इनकम दिखाएंगे और स्विट्ज़रलैंड की यहाँ पे बताएं कि ये मेरी ब्रांच स्विट्ज़रलैंड में, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स कम देना होगा, 11% देना होगा, और इंडिया में अगर हम लोग बताएंगे तो इंडिया में 21% देना होगा। तो ये कंपनी क्या करेगी, स्विट्ज़रलैंड का नाम बताएगी कि यहाँ पर मेरी ब्रांच है तो 11% ही टैक्स भरेगी, बाकी रेस्ट ऑफ द जो 11% है वो इनका बच गया, 10% इनका बच गया, है कि नहीं। तो ये क्या करते हैं ना, सारे कंपनीज जो है वो टैक्स सेव करने के लिए, टैक्स इवेजन करने के लिए इस तरीके का काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि बहुत बड़ी बड़ी जॉइंट कंपनी है जैसे फेसबुक, अमेज़न, गूगल, ये सारे की आपकी हालत आप देखोगे कि एक ही है। आज की डेट में ये इतनी रिच कंपनी कैसे हो गई? बस इस तरीके का जो है सरकार को चूना लगाकर और अपने टैक्स बचाकर, टैक्स की चोरी कर कर, ठीक है, ये ऐसी ऐसी इतनी इतनी महान कंपनी आज के डेट में बन चुकी है। तो देखिए, हमारे द्वारा एक यहाँ पे कंसर्न रेज़ किया गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि बहुत देशों को घाटा होता है। हमारे देश में भी आप देखो कि अमेज़न जो है उसकी जो पैरेंट कंपनी है आपको US में देखने को मिलेगा, बट हमारे देश में भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, फेसबुक भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, गूगल भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट हमें वो टैक्स नहीं देते हैं, हमारे यहाँ से टैक्स चोरी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारी सरकार ने इक्वलाइजेशन लिवाई लाया था कि आप ऐसे नहीं बच सकते, अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स नहीं दे रहे हो तो आपको इक्वलाइजेशन लिवाई देना होगा, वो भी एक तरीके का टैक्स था, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप देखो कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट होता क्या है।
ये जितनी भी कंपनीज है ना उनके ऊपर लगाई जाती है, जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं उनको टैक्स की जाती है। अदर सिग्निफिकेंट अगर हम लोग G7 समिट से देखें तो ये G7 समिट में ही इस तरीके की बातें हुई थी, तो इसमें से और क्या बातें निकल कर आ सकती हैं। तो G7 टू सिक्योर अ फर्दर 1 बिलियन COVID-19 वैक्सीन डोजेस। तो चलिए ठीक है, इतनी ये सारी बातें आपसे कोई नहीं पूछेगा, जो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाएगा बेसिकली हम लोग उसी की बात करेंगे। अगर देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट आ जाए ओनली 15%, तो इससे हमारे देश में क्या इम्पैक्ट होगा। हमें काफ़ी बेनिफिट होगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हमारे यहाँ कोई पेरेंट कंपनी है नहीं, हमारे यहाँ सब कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं बट टैक्स चोरी करके चल जाते हैं। तो अच्छी बात है ना कि एक ग्लोबल मिनिमम अगर टैक्स आ जाएगा तो हमारे यहाँ भी सरकार को कुछ पैसे आ जाएंगे। तो इसके लिए क्या होगा कि हमारी जो डोमेस्टिक टैक्स रेट है वो यहाँ पे काफ़ी इफेक्टिव हो पाएगी। साथ ही साथ 2019 में इंडिया के द्वारा एक शार्प कट किया गया कॉर्पोरेट टैक्स का, जो कि डोमेस्टिक कंट्रीज़ में आप देखो डोमेस्टिक कंपनीज़ का जो कि 22% किया गया, और न्यू जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है उनके लिए 15% कर दिया गया। तो ये हमारा आज के डेट में टैक्स है, इसको याद रखिएगा, टैक्स रेट डोमेस्टिक कंपनीज़ के लिए जो पहले से है वो 22%, लेकिन अगर कोई न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है तो उसके लिए ओनली 15% है। ये जो कट किया गया है ना, इससे क्या है कि इंडिया की जो हेडलाइन कॉपरेटिव टैक्स रेट है वो आपको 23% देखने को मिलेगा, जो कि एशियन कंट्रीज़ में है। तो अभी भी क्या है ना कि हमारे यहाँ का जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो ज़्यादा है और भी कंट्रीज से आप कंपैरिजन में देखो। तो अगर एक ग्लोबल हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो बेस इरोजन ऑफ टैक्सेस होती है ना वो यहाँ पे आपका बच जाएगा। इट मीन्स कि आप देखो कि बेस इरोजन हो जाता है, कोई कंपनी अगर पेरेंट कंपनी आपकी US की है लेकिन उसकी ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड में अगर फैली हुई है, तो क्या होता है कि मान लीजिए कि कल को US में अगर ये टैक्स आपका रेट 22% हो जाए तो ये बेस इरोजन हो जाएगा। इट मीन्स कि वहाँ से वो पेरेंट कंपनी उठ के कहीं और इस्टेब्लिश हो जाएगी जहाँ पर टैक्स रेट कम होगा। तो सारी कंपनी सारे लोग ऐसे ही भागते हैं और वो टैक्स हेवन कंट्रीज़ को चूज़ करते हैं जिससे कि उनको टैक्स नहीं देना पड़े, तो हर कोई ये करता है, ठीक है। तो इसलिए ये काम ना हो पाए, हर लोगों को हर कंपनीज़ को अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको टैक्स देना चाहिए। तो इस तरीके की बातों के लिए आप देखो कि क्या होगा कि इससे जो बेस इरोजन ऑफ टैक्सेस होती है कंट्री में ये नहीं हो पाएगा। साथ ही इंडिया में आप देखो कि ऑलरेडी ये प्रोएक्टिवली हम लोग फॉरेन गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा इंगेजमेंट है किस चीज़ को लेकर, तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस का एग्रीमेंट को लेकर, इसको DTA कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि आप देखो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर सामान जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, या फिर दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में सामान इंपोर्ट हो रहे हैं, तो डबल टैक्स हो जाते हैं उस जगह पे जहाँ से कंट्री से आपका सामान चल रहा है वहाँ भी टैक्स लगते हैं उस सामान में, फिर हमारे देश में भी टैक्स लगते हैं। तो ये डबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए एग्रीमेंट जो है ये ऑलरेडी हमारे हम लोग बहुत सारे फॉरेन गवर्नमेंट के साथ किए हुए हैं, तो इससे भी हमें फ़ायदा होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा कि हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, कहीं से भी हम लोग को नुकसान झेलने को नहीं मिलेगा। लेकिन क्या ज़रूरत है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट ये बनाने का, क्या ज़रूरत है? तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, ठीक है, एक यूनिफॉर्म रहेगा हर जगह का, चेक ऑन टैक्स हेवन, जो टैक्स हेवन कंट्रीज़ है उनके ऊपर थोड़ा सा लगाम लगेगा कि आप लोग भी भाई थोड़ा टैक्स लगा लो। एडिशनल टैक्स रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे निकल कर आएगा, टैक्स से जो पैसे निकल कर आएंगे इससे ऑल ओवर द कंट्रीज़ में, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द कंट्रीज़ में जो पैंडमिक से सारे कंट्रीज़ को प्रॉब्लम हुई है, कहीं ना कहीं उनको ये एडिशनल अगर रेवेन्यू जनरेट होगा तो वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे और ग्लोबल इकॉनमी बूस्ट हो पाएगी। क्योंकि आज के डेट में इकॉनमी नीचे जा चुकी है ग्लोबल, आप लोग देखो GDP जो है वो नेगेटिव में है बहुत सारी कंट्रीज़ की आज के भी डेट में, हालांकि हम लोग ने पॉजिटिव कर लिया बट फिर भी बहुत सारी कंट्रीज़ नेगेटिव में चल रही है, तो उनको यहाँ पर बेनिफिट हो पाएगा। तो ये सारी बातें यहाँ पे की जा रही है। OECD और ग्लोबल मिनिमम टैक्स की अगर हम लोग बात कर ले, OECD G20 की इंक्लूसिव फ्रेमवर्क है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग में, 139 कंट्रीज़ है और जुरिस्डिक्शंस है जो कि यहाँ पे आए हैं एक साथ, जिससे कि टैक्स अवॉइडेंस जो स्ट्रैटेजी है उसको एंड करने के लिए, जो बहुत सारी कंपनीज ये सोचती है कि टैक्स नहीं वो देने वाले तो इस चीज़ को कम किया जाएगा। अब बेसिकली ये समझिए कि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग ये क्या है कि टैक्स प्लानिंग स्ट्रैटेजी होती है जो कि MNE इट मीन्स कि मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेस ये इसको यूज़ करते हैं और जो गैप है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, मिसमैच करते हैं जो भी टैक्स रूल्स है, ओके, और आर्टिफिशियली अपनी प्रॉफिट को जो है उस जगह पे शिफ्ट करते हैं जहाँ पे लो या फिर नो टैक्स लोकेशन है। इट मींस कि अपनी कंपनी की ब्रांच उस जगह ज़रूर ओपन करते हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड वगैरह में आप देखोगे तो टैक्स हेवन कंट्रीज़ है, तो वहाँ पे हर एक बड़ी बड़ी कंपनी की ब्रांच उस जगह पे ज़रूर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे टैक्स हेवन कंट्रीज़ है। तो वो क्या करते हैं, टैक्स चोरी करने के लिए इस तरीके का काम करते हैं, तो बेस इरोड कर देते हैं और प्रॉफिट शिफ्ट कर देते हैं। तो ये काम नहीं होगा अगर ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स आ जाएगी। तो इसके साथ अभी आप देखो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक थ्रेशोल्ड सेट किया गया है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक
प्रिजन्स को लेकर। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जिनके द्वारा एक थ्रेशोल्ड लाया गया, जो कि कब से अप्लाई होगा, तो नेक्स्ट ईयर से, इट मीन्स कि 1 अप्रैल 2022 से यह अप्लाई होगा। नोटिफाइड थ्रेशोल्ड क्या है, एक तो है ट्रांजैक्शन थ्रेशोल्ड और एक है यूज़र थ्रेशोल्ड। इट मीन्स कि कोई भी नॉन रेसिडेंट जिसकी रेवेन्यू अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है ट्रांजैक्शंस में, इन रिस्पेक्ट ऑफ कोई भी गुड्स, सर्विसेज, प्रॉपर्टी, जो भी कोई भी इंडिया में रह रहे हैं, तो उनके लिए एक ट्रांजैक्शन थ्रेशोल्ड लगाया गया है। यूज़र थ्रेशोल्ड है, इट मीन्स कि कोई भी एंटिटी जो कि सिस्टमेटिकली या फिर कंटिन्यूसली अगर बिजनेस कर रही है और उनकी बिजनेस में आप देखो कि मोर देन 3 लाख यूज़र्स हैं इंडिया में, तो उनके लिए यहाँ पे यूज़र थ्रेशोल्ड होगा। इट मीन्स कि इस तरीके का थ्रेशोल्ड लगाया गया, अपर लिमिट लगाया गया है कि इतना अगर आपके पास है, इट मीन्स कि 3 लाख यूज़र से भी ज़्यादा है, तो आपको इतना टैक्स देना होगा। और अगर आपका जो है 2 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रही है, नॉन रेसिडेंट की बात की जा रही है, तो आपको इतनी टैक्स जो है ट्रांजेक्शन्स पर देना होगा। तो ये चीज़ें अब यहाँ पर लाई जा रही है। ऑलरेडी 2016 में आप देखो कि हमारे द्वारा इक्वलाइजेशन लिवाई, या फिर इसको गूगल टैक्स भी कहते हैं, जो कि आपका लाया गया था, जिसमें कि जितनी भी डिजिटल एडवर्टीजमेंट की जाती है, सर्विस जो भी प्रोवाइड किया जाता है नॉन रेसिडेंट कंपनीज़ के द्वारा हमारे देश में, तो उनको यहाँ पे ये गूगल टैक्स पे करना होता है। ये बाद में इसको एक्सपेंड किया गया, इट मीन्स कि आज के डेट में तो आप ई कॉमर्स ऑपरेटर भी देख रहे हो, तो उनके लिए भी लाया गया कि आप लोग भी जो है इतना अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सब आप देख रहे हो, तो हमारे देश से जो बाहर है, तो उनके लिए भी लाया गया है कि आप लोग भी चलिए 2% का टैक्स यहाँ पर दीजिए, क्योंकि सर्विस दे रहे हैं तो टैक्स भी आपको देना होगा। ठीक है, तो ये जो आइडिया था टैक्स प्रॉफिट का, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बिजनेसेस के लिए है, और वैसे कंपनीज के लिए है जो कि फिजिकल प्रेजेंस, जिनकी कंपनी एक्चुअली इंडिया में नहीं है बट वो इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बेसिक चीज़ों को समझिए, क्योंकि देखिए कुछ भी नया अगर इकोनॉमिक में आपको देखने को मिलेगा, कुछ भी नए टर्म आते हैं, तो उससे यूपीएससी तुरंत क्वेश्चन पूछती है, और ये इक्वलाइजेशन टैक्स जो आया था, इससे भी यूपीएससी में आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए कुछ नए अगर यहाँ पे चेंजेस किए जा रहे हैं, तो फिर उससे क्वेश्चन पूछने की चांसेस बढ़ जाती है। नेक्स्ट आते हैं बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो RBI के द्वारा कुछ न्यू रेगुलेटरी रिजिम लाया गया है माइक्रो फाइनेंस के लिए। तो माइक्रो फाइनेंस कहने का क्या मतलब होता है, माइक्रो फाइनेंस नाम में ही रखा गया है कि छोटे फॉर्म ऑफ फिनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना, और वो भी स्मॉल लोन के फॉर्म में देना, अदर फिनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना। अगर छोटे छोटे लोन देना है तो ऑब्वियस है कि वैसे लोगों को देना है जो कि यहाँ पे जिनकी बिजनेस भी छोटी होगी, जो लो इनकम घर के होंगे, जो पुअर होंगे, उनको इस तरीके का स्मॉल लोन प्रोवाइड करना। तो उनके लिए भी हमारे देश में एक प्रावधान है जिसको हम लोग माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। माइक्रो फाइनेंस की कोर फीचर्स क्या है, तो सबसे पहले है कि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन देते हैं। सेकेंड है कि यहाँ पे कोलैटरल देने की ज़रूरत नहीं है, बिना कोलैटरल के आप लोन ले सकते हो। थर्ड है कि यहाँ पे बॉरोवर्स जो है वो लो इनकम ग्रुप से बिलोंग होना चाहिए। एंड फोर्थ है कि फ्लेक्सिबल रीपेमेंट स्कीड्यूल है, इट मीन्स कि जब आपका रीपेमेंट का टाइम आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी समय देना है। अगर आपकी बिज़नेस प्रॉफिट में नहीं जा रही है और आपके पास पैसे नहीं है, तो फिर आपको और भी मौका दिया जाएगा कि ठीक है, आप एक्सटेंड डेट पर अपना लोन को चुकता कर दीजिए। माइक्रो फाइनेंस अगर हम लोग देखें इंडिया में, तो ये किसके किसके थ्रू डिलीवर होता है, कहाँ कहाँ से स्मॉल लोन आप ले सकते हो, तो ये है स्कीड्यूल कमर्शियल बैंक जितने भी हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है, और रीजनल रूरल बैंक भी है। ठीक है, सेकंड आता है जितने भी कॉपरेटिव बैंक्स हैं। थर्ड आता है कि NBFCs को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ को। एंड फोर्थ वन इज़ की माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो है, जो कि यहाँ पे NBFC जैसा रेगुलेट हो रहे हैं, तो ये चार आपको देखने को मिलेगा कि इन सब के थ्रू माइक्रो फाइनेंस जो है लिया जा सकता है, इट मीन्स कि स्मॉल लोन लिए जा सकते हैं। अब माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया में देख लेते हैं कि क्या हालचाल है। इंडिया में अगर हम लोग देखें तो पब्लिक बैंक्स की जो नेटवर्क है वो इसमें इन्वॉल्व है। अगर इसी में देखें तो यहाँ पे एक लिंक है जो कि आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप, NGO, बैंक्स, इन सब का देखने को मिलेगा जो कि माइक्रो फाइनेंस में ये आपका इन्वॉल्व है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर ये बात करें तो NGO के द्वारा ये नर्चर करके ये फॉर्म होते हैं, और फॉर्म भी होते हैं, ये तभी एक फॉर्म होते हैं जब एक सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी इनके मतलब कि इनमें आ जाता है, और तब ये जो है एक बैंक से ये क्रेडिट भी लेते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम भी चलाया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, कुछ लोग जो है ना वो इकट्ठे निकल कर आते हैं, और एक अकेले निकल कर आते हैं लेकिन इकट्ठे होते हैं, कुछ लोगों की ग्रुप बनती है जो कि खुद का मेहनत करके वो खुद की हेल्प करते हैं, खुद की लाइफ को ग्रूम करते हैं, तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है। वो अपना खुद का जो है बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, चार लोग मिल गए और चार लोग जो है अपनी मान लीजिए कि छोटी मोटी बिज़नेस स्टार्ट किए, तो उनको पैसे की तो ज़रूरत होगी ना, तो इसलिए इस तरीके के लोगों के लिए यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस मिलता है। ऑब्जेक्टिव क्या है माइक्रो फाइनेंस का, इससे ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ऑब्वियस है, जब लोगों के पास पैसे होते हैं और लोन के फॉर्म में जब उनको पैसे मिलते हैं, तो वो कुछ बिज़नेस करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा होगा, पैसे आएंगे, उनकी डिमांड बढ़ेगी, उनकी लाइवलीहुड बेटर हो पाएगी, पॉवर्टी एलिविएशन होगा। देखिए हर कोई बड़े लोन नहीं ले सकते, छोटे लोन ही
ज़्यादा लोग प्रेफर कर पाते हैं हमारे देश में। तो जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी एक रास्ता होना चाहिए ना, कि उनके पास भी कुछ तरीका हो कि वो कहीं से तो लोन ले सकें, तो ये उनके लिए बेटर है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंप्रूवमेंट हो पाएगी, वुमेन एम्पावरमेंट हो पाएंगे। अगर कुछ महिलाओं को लगता है कि वो कुछ बाहर निकल कर काम करना चाहती है, अर्न करना चाहती है, खुद का बुटीक खोलना चाहती है, पार्लर खोलना चाहती है, तो वो ज़रूर कर सकती है। और उनके लिए उनको पैसे चाहिए तो है ना यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस का ऑप्शन। एसेट क्रिएशन है, अपना आप खुद का एसेट भी क्रिएट कर सकते हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, क्योंकि अगर लोग यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस के लिए अप्लाई करेंगे, लोन लेंगे, तो ऑब्वियस है कि वो अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे किसी ना किसी बैंक में। और फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ही होता है कि हर एक लोगों को बैंक से जोड़ना। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस का। ओके, अब यहाँ पर आप देखो कि इंडिया की माइक्रो फाइनेंस सेक्टर्स जो है 2 डिकेड से ये काफ़ी अच्छा खासा ग्रो हो रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लास्ट 2 डिकेड से ये ग्रो हो रही है, तो यस, ये बिल्कुल सही है। इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी अटकने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो एक कमेटी से भी पूछा जा सकता है कि YH मालीगांव कमेटी, ये किस सेक्टर से रिलेटेड है, तो ये आपका माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड है। यहाँ पे मालीगांव कमेटी के द्वारा कुछ रिकमेंडेशन दी गई थी, और इन्हीं के रिकमेंडेशन पे RBI ने कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर NBFC MFI इन 2011 को इंट्रोड्यूस किया। देखिए, कोई भी NBFC को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कैसे डेजिग्नेट करेंगे, ऐसे डेजिग्नेट करेंगे कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC होनी चाहिए, यानी कि वहाँ पे डिपॉजिट नहीं हो सके। मिनिमम उनका नेट ओन फंड जो है 5 करोड़ होनी चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए आपको पता है थोड़ी सी रिलीफ मिलती है, तो वहाँ पे 2 करोड़ रखा गया है। मिनिमम 85% जो है उनका नेट एसेट होना चाहिए, और एसेट भी उनका कैश के फॉर्म में, बैंक बैलेंस के फॉर्म में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आप देखो कि पोर्टफोलियो, अगर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखें, तो सबसे ज़्यादा जो माइक्रो फाइनेंस आपको देखने को मिलेगा वो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, सेकंड में यहाँ पे साउथ में है, एंड थर्ड में यहाँ पे वेस्ट में है। ठीक है, उसके अलावा आप देख लो कि यहाँ पे जो माइक्रो फाइनेंस है उनको रेगुलेट कौन कौन करते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस बोरोवर कौन होते हैं, उनके डेफिनेशंस प्रॉपर क्या है। तो माइक्रो फाइनेंस बोरोवर को आइडेंटिफाई किया गया है कि एनुअल हाउस होल्ड इनकम जो है उनकी 1,25,000 नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो रूरल एरिया के लिए और अर्बन एरिया के लिए 2 लाख रखा गया है। तो ये याद रखनी है कि एनुअल एनुअल यहाँ पे हाउस होल्ड इनकम कहा जा रहा है, कि एक घर में कितने भी लोग हैं अगर सब कमा रहे हैं, तो 1,25,000 क्रॉस नहीं होना चाहिए ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए। अर्बन एरिया के लिए क्या है, 2 लाख। ओके, और लिमिट क्या है हाउस होल्ड इनडेप्टनेस का, तो इनडेप्टनेस का अगर आप लिमिट देखोगे, ये आपका 1,25,000 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। नेचर ऑफ लोन्स अगर हम लोग देखें, तो ये कोलैटरल फ्री लोन है बिना किसी प्री पेमेंट पेनाल्टी के। साथ ही लिमिट अगर हम लोग नंबर ऑफ लोन या फिर लोन अमाउंट और टेन्योर देखें, तो लोन अमाउंट जो लिमिट है वो 1,25,000 रखा गया है। मिनिमम टेन्योर आपका 24 मंथ्स का होना चाहिए। नो मोर देन 2 NBFC माइक्रो फाइनेंस जो है वो लेंड करेगा सेम बोरोवर को। इट मीन्स कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 माइक्रो फाइनेंस के पास जाकर लोन ले सकते, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। मिनिमम 50% जो लोन है वो यहाँ पे इनकम जनरेशन एक्टिविटी से ही यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, रीपेमेंट प्रायोरिटी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो रीपे कर सकते वीकली भी कर सकते, फोर्टनाइट भी कर सकते, और मंथली इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हैं, जैसा उनका चॉइस होगा। प्राइसिंग अगर माइक्रो लोन्स का देखें, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो इंटरेस्ट चार्ज किया गया है माइक्रो फाइनेंस से, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ फंड होना चाहिए, जो कि मार्जिन कैप आपका 10% हो, और लोन पोर्टफोलियो आपका जो है 100 करोड़ होनी चाहिए, या फिर 12% दूसरे के साथ होनी चाहिए। तो ये थोड़ी सी क्राइटेरिया है, इतने डेप्थ में जाकर आपसे नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिक जो बातें हैं उसको याद रखिएगा। एग्जेम्प्ट रखा गया है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज़ को। इट मींस कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जो ज़रूरत होती है ना, वो नॉट फॉर प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ को इससे बाहर रखा गया है, कि कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। ओके, इतनी बातें याद रखिए। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्रपोज चेंजेस है ना, इसको अभी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। जब ये चेंजेस हो जाएंगे तब आपसे पूछा जाएगा। अभी फाइनली आपका क्या चल रहा है, किस तरीके के यहाँ पे फ्रेमवर्क है, उसको ध्यान में रखिए। RBI सरप्लस ट्रांसफ़र, ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, और अभी आप देखो कि 99,122 करोड़ जो है एज ए सरप्लस RBI ने सरकार को ट्रांसफ़र की है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि RBI के पास इतने पैसे आते कैसे हैं, क्या यहाँ पे सोर्सेज है जो कि RBI के पास इतने सरप्लस जमा हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट आता है वो यहाँ पे अदर इनकम आती है, जो कि फॉरेन सोर्सेज से। तो फॉरेन सोर्सेज से RBI को जो भी इनकम आती है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, 41%। देन यहाँ पे इंटरेस्ट आता है, जैसे आप देखते हो कि लोन वगैरह जो दिया जाता है, इट मीन्स कि RBI जो है वो बैंकों को भी लेंड करती है,
उससे भी वो जो है इंटरेस्ट लेती है, साथ ही और भी यहाँ पे आप देखो डोमेस्टिक सोर्सेज से इंटरेस्ट लेती है जो कि 33% यहाँ से उनका इनकम आता है। देन यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो फॉरेन सोर्सेज से आता है अगेन, फिर उसके बाद इनकम जो है आपका डोमेस्टिक सोर्सेज से आता है। तो इनकम बाहर के सोर्सेज से आता है, इंटरेस्ट भी बाहर के सोर्सेज से, इनकम डोमेस्टिक सोर्सेज से और इंटरेस्ट डोमेस्टिक सोर्सेज से। तो ये चार तरीका है जहाँ से आपको आरबीआई के रेवेन्यू जनरेट होंगे। और आरबीआई का खर्च क्या है ये समझिए। आरबीआई का जो सबसे ज़्यादा खर्च है ना वो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है कंटिंजेंसी फंड और एडीएफ में। कंटिंजेंसी फंड जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता है कि इमरजेंसी फंड यहाँ पे आरबीआई क्रिएट करके रखती है। ये सेकंड बिगेस्ट फंड है जो कि किसी भी तरीके की अगर इमरजेंसी अराइज होती है ना तो यहाँ पे आरबीआई खड़े रहता है अपने कोष को लेकर, फंड कोष को लेकर। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और एडीएफ है, एसेट डेवलपमेंट फंड है, एक्चुअली यहाँ पे प्रोविजंस है जो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसे सब्सिडीज वगैरह दिया जाता है तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे आपका इस तरीके का फंड क्रिएट किया गया है। साथ ही कुछ एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशन भी हैं जो कि इंटरनल यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर को मीट करते हैं। तो ये दो तरीके की फ़ंड है जिसमें कि आरबीआई सबसे ज़्यादा पैसे रखते हैं। देन यहाँ पे जो प्रिंट करते हैं नोट, नोट प्रिंट करने में भी कुछ खर्च होता है लेकिन बहुत कम खर्च होता है। साथ ही यहाँ पे एजेंसी चार्जेस भी है, कमीशन भी देना होता है बैंकों को, प्राइमरी डीलर भी है और एम्प्लॉय कॉस्ट भी है, जितने भी एम्प्लॉय है उनको भी यहाँ पे सैलरी वगैरह देना होता है, तो वो भी खर्च में जाता है आरबीआई का। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि जो रिटर्न है डोमेस्टिक सोर्सेज से आते हैं तो इसमें क्या क्या है। जैसे लोन और एडवांसेस देते हैं तो उनके ऊपर इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट आता है लैफ ऑपरेशन के ऊपर, इट मीन्स कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के ऊपर। साथ ही अदर इनकम अगर हम लोग डोमेस्टिक सोर्सेज से देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, अगर यहाँ पे रुपी जो सिक्योरिटीज़ है उसको बेच कर रख होता है, कमीशन यहाँ पे मिलता है। अगर फॉरेन सोर्सेज से रिटर्न देखें तो जिसमें कि आपका इंटरेस्ट है जैसे कि फॉरेन करेंसी डिपॉजिट में मिलता है, इंटरेस्ट आपका रेपो और रिवर्स रेपो जो ट्रांजैक्शन होती है उसमें मिलती है। तो इस तरीके से इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक सेकेंड, अब ये जो आरबीआई ट्रांसफ़र करती है अपनी ये सरप्लस तो किस कानून के तहत करती है। तो आरबीआई जो ट्रांसफ़र कर रही है सरप्लस वो आरबीआई बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत, ये आपका सेक्शन 47 में ऐसा लिखा गया है कि आरबीआई जो है अपनी सरप्लस को सरकार को ट्रांसफ़र कर सकती है। तो सरकार को ट्रांसफ़र क्यों करती है, इससे क्या होता है। तो अभी आपने देखा कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन की बात की जा रही थी। अब हमारे पहले क्या था कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन किया जाता था तो वो भी एक तरीका था जिससे कि आरबीआई जो है सरकार को पैसे देती थी, लेकिन क्या हुआ कि 2006 से इस चीज़ को बैन कर दिया गया। फिर 2018 से कुछ सर्टेन ही यहाँ पे आप देखो कि कुछ क्राइटेरिया है जिसमें कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन होती है। तो फिर भी सरकार की जो एक्सपेंडिचर है उसको कौन बेयर करता है, और जो इतनी डेफिसिट है उसको कहीं ना कहीं तो ओवरकम करना होगा ना। तो ये चीज़ें आरबीआई करती है कि पहले क्या करती थी कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन करती थी, बट अब क्या है कि इस तरीके से आप समझो कि सरप्लस ही ट्रांसफ़र कर देती है। ठीक है, जिससे कि सरकार के पास पैसे रहे और हमारा देश जो है बेटर तरीके से चलते रहे। तो ये ध्यान रखना है। अब आरबीआई की सरप्लस अगर आप देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया गया है तो ये ऐसा नहीं है कि लगातार ये बढ़ते ही गया है। 2018-19 में सबसे ज़्यादा था, फिर उसके बाद 1920 में बहुत घटा, फिर अभी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। तो इस चीज़ को भी ग्राफ को ध्यान में रखिएगा क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि लास्ट 5 ईयर से, 1 डिकेड से कंटिन्यूस इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो इस चीज़ को अगर आपके माइंड में ग्राफ हो गया ना तो आप इसको टैकल कर पाओगे। क्यों आरबीआई सरप्लस जो है ना इतना शार्पली इंक्रीज़ हुआ, जब कोविड-19 के टाइम में सब कुछ ख़त्म हो रहा था, डाउन हो रहा था, तो ये आरबीआई के पास तो इतने पैसे कहाँ से आ रहे थे ये समझिए। आरबीआई के पास पैसे इसलिए आए क्योंकि आरबीआई का खर्च कम हो गया, आरबीआई का खर्च कम हो गया तो आरबीआई के पास जो है पैसे बच गए। साथ ही आरबीआई की सरप्लस जो राइज़ हुई ना वो हाई इनकम से हुई जो कि यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन से आया, और यहाँ पे जो फॉरेक्स रिजर्व्स इस बार सबसे ज़्यादा हुआ है जिसके कारण हम लोग फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री बन चुके हैं फॉरेक्स रिजर्व्स को रखने में। तो आपको बताना है कि हमसे पहले तीन कंट्री कौन है। ठीक है, मुझे पता है अधिकतर लोग इसके गलत जवाब देंगे, बट प्लीज़ जाइए सर्च कीजिए, और क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज़ है तो ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा यहाँ पर रीज़न है कि जो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है, इसमें क्या है ना कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन को यहाँ पे यूज़ मतलब कि इस फंडे को यूज़ किया गया, जिससे क्या है कि आरबीआई ने क्या किया कि बैंकिंग सिस्टम में जो कैश इन्फ्यूज़ किए, इट मीन्स कि बैंकों को जो पैसे दिए गए आरबीआई के द्वारा वो लंबे समय तक के लिए दिए गए, यानी कि लंबे समय तक के रेपो रेट के लिए दिए, रेपो रेट में ये दिए गए। तो इससे क्या हो गया कि ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, इट मीन्स कि बैंकों का, आरबीआई का यहाँ पे ज़्यादा खर्च नहीं हुए, इसलिए यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा सरप्लस गेन हो गया।
अब यहाँ पे पेमेंट सिस्टम और फिनेंशियल मार्केट में अगर हम लोग बात करें तो देखिए, एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ध्यान रखिएगा, ये आपसे मान लीजिए पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जान रहे होंगे, लेकिन ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, इससे जो पैसे यहाँ पे निकल कर आएंगे वो सोशल वेलफेयर की जितनी भी स्कीम्स है ना उस पर खर्च की जाएगी, तो इसको ध्यान रखना है। और इससे पहले आप देखो कि यूके का अपना है, कनाडा भी यूज़ करती है, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, इन सब का अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज है। तो अब चलिए इंडिया के द्वारा भी इसको लाया जा रहा है, तो एक अच्छी मूव्स कह सकते हैं कि हाँ, कोशिश एक अच्छी कोशिश की जा रही है। तो ये बातें हुई, चलिए आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं, कल स्टार्ट करेंगे यहाँ पे लेबर एम्प्लॉयमेंट स्किल डेवलपमेंट के साथ। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छी लग रही होगी। अच्छी क्या कि आपकी रिवीजन है, तो रिवाइज़ करते रहिए। ये पीडीएफ सब मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आई होप कि आप लोग ये सारे पीडीएफ्स जो है वन टाइम टू टाइम्स रीड कर चुके होंगे। मैं लेसन यहाँ पर डेली इसलिए लेकर आ रही हूँ कि कुछ तो कुछ आपका रिविज़न होते रहना चाहिए, ठीक है? तो मिलती हूँ कल फिर इसी टाइम पे, और इसी तरीके से आपका लेसन कंटिन्यू रहेगा। तो अगर आप लोग को ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। साथ ही विजन है, इसकी टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, वहाँ पे आप लोग मैसेज करके जान सकते हो, मेल करके। और मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।